देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था जिस वक्त मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ। किधर? ओमान? ओमान नहीं 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 अपन जा रहे हैं जद्दा। माशाल्लाह तो जनाब इस वक्त हम मुंबई पहुंच चुके हैं और हम हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाहर और हमारे देश का तिरंगा हवा में बेहतरीन लहरा रहा है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम जाएंगे अब छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। हमारे उम्र के और ग्रुप मेंबर इस टैक्सी से जा रहे हैं और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में है। एयरपोर्ट से बाहर हूँ और यह मेरी पहली फ्लाइट होगी इंटरनेशनल और खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं जाना तो चाहता था और किसी दूसरी कंट्री, मैंने बैंकॉक की फ्लाइट बुक कर ली थी, कंफर्म फ्लाइट, और टिकट नॉट रिफंड था, उसे मैंने छोड़ दिया और मेरे अम्मी अबू उमरा के लिए जा रहे थे, वहाँ मैं आ गया। तो मैं जा रहा हूँ और यह मेरी किस्मत होगा कि खुदा ने मुझे बुला लिया अपने दर पे इतनी जल्दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मेरा पहला लाइफ का पहला फ्लाइट इंटरनेशनल होगा, तो सॉरी मेरा लाइफ का पहला फ्लाइट खुदा के घर होगा सऊदी अरब। जा रहा हूँ और बाकी एयरपोर्ट के अंदर जाके आपको बाकी की बातें मैं बतलाता हूँ। बहुत खुशी लग रहा है, यहाँ ऐसे माहौल है कि सभी लोग उमरा जाने वाले दिख रहे हैं और जिधर देखो उधर उमरा वाले ही देख रहे हैं। तो गाइस हमारा सफर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चालू होता है। तो जनाब आगे चलकर मुझे कैमरा बंद करना होगा क्योंकि हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मुझे कैमरा बंद करना होगा। बाकी बातें एयरपोर्ट के अंदर मैं करता हूँ। इस वक्त मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ। फर्स्ट पॉइंट रहता है अपने सामान को चेक करना, चेक करवाना, तो मैंने अपने सामान को चेक करवा लिया है। फिर जैसा जैसा होता है मैं आपको बताते जाता हूँ कि मेरा पहला इंटरनेशनल सफर है, तो आप लोगों का वही आप लोगों को भी मैं व्यू दिखलाते जा रहा हूँ और कुछ पॉइंट मुझे जो जानकारी होगा मैं आप लोगों को बतलाते जाऊँगा। ये जो आप काउंटर देख रहे हैं ये सब आपको बोर्डिंग पास देंगे, बोले तो वो टिकट होगा आपका फ्लाइट के अंदर बैठने का, उसी को बोर्डिंग पास बोलते हैं और आपके जो लगेज हैं वो सब ये ले लेंगे। बोर्डिंग पास मिल गया, पेट पूजा कर लेते हैं। और ये है बिरयानी, इस वक्त मैं मुंबई की ड्यूटी फ्री पे खड़ा हूँ, तो यह है मुंबई की ड्यूटी फ्री। और ये भाई वालेकुम सलाम, तैयब किधर? ओमान? ओमान नहीं 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 अपन जा रहे हैं जद्दा। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम बता दीजिए। आदिल नाम, आदिल ओमान। आदिल ओमान ये मुंबई वाला वाला मुंबई वाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आदि
वहाँ मिल गए थे। चलो आओ, इमिग्रेशन हो गया, ये सब अपन रखे हैं, अब चलते हैं मस्जिद की ओर। दो रकात नमाज पढ़नी है नफिल की, और ये ड्यूटी फ्री मुंबई एयरपोर्ट का। मेरा जो वीज़ा है वो उमरा वीज़ा है, और उमरा वीज़ा कोई भी कंट्री के नागरिक को सऊदी गवर्नमेंट फ्री में देती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हैं उमरा तो नहीं जा सकते, आपको 3 साल गैप करने होंगे। अगर फिर भी तमन्ना है जाने का तो 2000 सऊदी रियाल आपको देने पड़ेंगे। गेट डोर नंबर 46 में वहाँ पर अपन वेटिंग हॉल है, वहाँ से अपनी फ्लाइट में बैठना है, तो वेटिंग रूम है वो, तो चलते हैं गाइस। फिर आगे का व्यू दिखाते रहेंगे हम आपको। आराम में पहन चुका हूँ और हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट की ओर। तो फिलहाल हमारी फ्लाइट 1 घंटा लेट चल रही है। मैंने एक चीज गौर किया इस फ्लाइट पे, हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, मैं पहुंच चुका हूं और बहुत ही बड़ी फ्लाइट है जनाब। अब हम उड़ान भर रहे हैं, और ये और यह एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, और ये अलग अलग टर्मिनल बने हुए हैं।